दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। इसलिए जब शेयर खरीदने की बारी आती है तो सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में ये आता है कि आखिर किस कंपनी का शेयर खरीदें, कैसे अच्छी कंपनियां ढूंढें जिनमें हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और वहां से अच्छा रिटर्न कमा सकें। आपने अक्सर सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आप सिर्फ अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके बेस्ट कंपनीज़ को फाइंड कर सकते हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं स्टॉक्स को ढूंढने का वो तरीका, तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए। आज हम बात करने वाले हैं पीटर लिंच और जॉन रॉथचाइल्ड की बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट के बारे में, जो हमको सिखाती है कि एक कॉमन मैन कैसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर जितना या उससे भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर भट बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि एक आम आदमी भी थोड़े से रिसर्च से प्रोफेशनल फंड मैनेजर जितना या उससे भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है, क्योंकि एक फंड मैनेजर को दूसरों को रिटर्न जनरेट करके देने होते हैं, इसलिए उसके पास हर फैसले की आज़ादी नहीं होती है। कुछ रूल्स को फॉलो करना उसके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी होती है, क्योंकि उसे किसी और को जवाब नहीं देना है बल्कि खुद के लिए रिटर्न जनरेट करना है। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है कैटेगरी ऑफ कंपनीज, दूसरा पार्ट है हाउ टू फाइंड अ गुड शेयर, तीसरा पार्ट है हाउ टू चूज अ बेस्ट कंपनी, चौथा पार्ट है स्टॉक्स टू अवॉइड और पांचवा पार्ट है बेसिक डिसीजंस बिफोर इन्वेस्टिंग। अब बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की, पार्ट 1, कैटेगरी ऑफ कंपनीज। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट को समझना होगा। यहाँ अलग अलग प्रकार के बिजनेस की 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये कंपनियाँ काम कैसे करती हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिवार्ड के साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी की कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। यहाँ पर आपको मुख्यतः 6 प्रकार की कैटेगरीज की कंपनियाँ मिलती हैं। सबसे पहला है द स्लो ग्रोवर्स, ये बहुत बड़ी और एजेड कंपनीज होती हैं। इन कंपनीज से आप तेज़ विकास की उम्मीद नहीं कर सकते, ये धीमी गति से आगे बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से ही ऐसी थी, एक समय में ये भी फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता गया और उनमें विकास की रफ्तार धीमी होती गई। ये भी एक सच है कि कोई भी फास्ट ग्रोथ इंडस्ट्री बढ़ते समय के साथ एक दिन स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री बन जाती है। दूसरा प्रकार है द स्टॉलवर्ट्स, ये वो कंपनीज होती हैं जिनकी ग्रोथ बहुत फास्ट तो नहीं होती है, लेकिन स्लो ग्रोवर्स कंपनीज से ज़्यादा तेज़ होती है। इन कंपनीज़ को आपको कब खरीदना है और कब बेचना है, यदि आप इस पर अच्छे से ध्यान देते हैं तो आप इन कंपनीज़ में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि मैं इन कंपनियों के शेयर खरीदते समय 30-50% प्रॉफिट का लक्ष्य रखता हूँ, जिसके बाद मैं उन्हें बेचकर ऐसी ही किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ जिसका भाव अभी काफ़ी कम है। ऑथर कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉलवर्ट शेयर्स हमेशा होने चाहिए, क्योंकि मंदी के समय जब मार्केट में गिरावट होती है तो ये हमारे पोर्टफोलियो को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तीसरी कैटेगरी है द फास्ट ग्रोवर्स, ऑथर कहते हैं कि ये उनकी फेवरेट कैटेगरी है। ये स्मॉल, एग्रेसिव और नई कंपनीज होती हैं जिनकी ग्रोथ रेट हर साल 20-25% होती है। यदि आपने यहाँ थोड़ा समझदारी से काम लिया तो आपको यहाँ 10 बैगर नहीं बल्कि 200 बैगर्स के भी रिटर्न मिल सकते हैं। इनमें इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की भी होता है, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनियां होती हैं। जब मार्केट में गिरावट का दौर होता है तो इन कंपनियों के शेयर बहुत नीचे तक गिर जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि जब तक ये कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं तब तक ये मार्केट में बड़ी विनर्स होती हैं। आपको ऐसी कंपनियों की तलाश करनी चाहिए जिसकी बैलेंस शीट अच्छी हो और जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हो। चौथी कैटेगरी है द साइक्लिकल्स, ये वे कंपनियां होती हैं जिनका प्रॉफिट रेगुलरली बढ़ता या कम होता रहता है। कुछ समय तक इनमें ग्रोथ बनी रहती है और फिर कुछ समय तक ये गिरावट का दौर सहन करती हैं। ये चक्र लगातार चलता रहता है। इनमें जैसे ऑटो कंपनीज़, एयरलाइंस, टायर कंपनियां, स्टील कंपनियां आदि आती हैं। मंदी के बाद ये कंपनियां जोरदार ग्रोथ दिखाती हैं, जिससे इनके शेयर्स में उछाल देखने को मिलता है। यदि आप इनमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको इनमें से किसी अच्छी कंपनी को मंदी के उस दौर में ढूंढना होगा जब ये बहुत निचले स्तर पर मिल रही हो, क्योंकि यदि आप इन्हें इनकी ग्रोथ की पीक पर खरीदते हो तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ के बाद गिरावट के साइकिल का आना तय होता है। पांचवी कैटेगरी है टर्नराउंड्स। टर्नराउंड कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में होती हैं।
ये दिवालिया होने की कगार पर होती हैं। ये स्लो ग्रोथ रेट वाली कंपनी नहीं होती हैं, बल्कि इनमें कोई विकास ही नहीं होता है। इनमें डर ये होता है कि कहीं दिवालिया ना हो जाए। इन कंपनीज़ में भी काफ़ी कुछ अच्छी कंपनीज़ होती हैं जो कुछ समय बाद वापस अपनी ग्रोथ पकड़ लेती हैं। कई बार कुछ कंपनीज़ कुछ टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स के कारण भी बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं, लेकिन जैसे ही उनमें प्रॉब्लम दूर हो जाती है तो वे वापस अपनी रफ्तार पकड़ लेती हैं। छठवीं कैटेगरी है द एसेट प्लेस। ये वे कंपनीज़ होती हैं जिनके पास कोई वैल्यूएबल चीज़ होती है, जैसे कैश, रियल एस्टेट आदि। जैसे कई बार कुछ कंपनीज़ के पास ऐसी जगह पर ज़मीन होती है जिनका दाम आने वाले समय में कुछ कई गुना हो जाएगा। कुछ कंपनीज़ के पास तेल और गैस के अधिकार होते हैं, कुछ के पास मिनरल्स के अधिकार होते हैं, लकड़ी के अधिकार होते हैं। ये एसेट्स आपको हर सेक्टर में मिल सकते हैं। ऐसी कंपनियाँ भविष्य में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल करती हैं। अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट की ओर, जो है हाउ टू फाइंड द गुड शेयर्स। अब सवाल आता है कि एक कॉमन आदमी कैसे अच्छे शेयर को ढूंढ सकता है। ऑथर कहते हैं कि बेहतरीन शेयर ढूंढने के लिए सबसे अच्छी जगह है आपके घर के आसपास, जैसे शॉपिंग मॉल, जॉब प्लेस आदि। यदि आप गौर करोगे तो मैक्सिमम 10 बैगर स्टॉक्स आपके आसपास ही थे, बस आपने कभी उन पर कभी गौर ही नहीं किया। ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्रयोग आप पिछले कई सालों से कर रहे हो और दूसरे लोगों को भी उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हो, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इसे बनाने वाली कंपनी कौन सी है? जैसे लाइफ बॉय साबुन को हम पिछले कई सालों से यूज़ कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में लाइफ बॉय का हैंड सैनिटाइज़र हम सब ने खूब यूज़ किया, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि लाइफ बॉय फेमस कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड है? ऑथर कहते हैं कि आप यदि अपने आसपास गौर करते हो तो आप इन कंपनीज़ को प्रोफेशनल मार्केट एक्सपर्ट से बहुत पहले ही फाइंड कर सकते हो। मान लो कि एक इंश्योरेंस एजेंट है, उसे इस बात का बहुत अच्छे से पता होगा कि इंश्योरेंस के रेट बढ़ रहे हैं, लोग अब ज़्यादा इंश्योरेंस खरीदने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उछाल आने वाला है। वो चाहता तो इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन वो सोचता है कि सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ होगी, इसलिए मैं भी उसमें निवेश कर देता हूँ। ऑथर कहते हैं कि लोग जो चीज़ें बनाते हैं, बेचते हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं, उस पूरी रिटेल और होलसेल चेन के सामने शेयर को चुनने के अनेकों अवसर मौजूद रहते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो के तीसरे पार्ट की ओर, पार्ट 3, हाउ टू फाइंड द बेस्ट कंपनी। अब सवाल आता है कि आप बेस्ट कंपनी कैसे चूज़ करें। इसके लिए आपको ये 10 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, इट साउंड्स डल और इवन बेटर रेडिकुलस। कंपनी एक परफेक्टली सिंपल बिजनेस में इन्वॉल्व होनी चाहिए। इस बिजनेस का नाम बोरिंग टाइप का होना चाहिए। नाम जितना भी बोरिंग होगा उतना ही अच्छा है। जैसे ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग एक फैंसी नाम है, लेकिन बॉब इवांस फार्म्स एक बोरिंग नाम है। बोरिंग नाम होने की वजह से इन्वेस्टर्स का ध्यान ऐसे स्टॉक्स पर नहीं जाता है जिससे आपको इन्हें अर्ली स्टेज पर पकड़ने का मौका मिल जाता है। दूसरा है इट डज समथिंग डल। ऑथर कहते हैं कि मुझे जब कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है जिसका नाम बोरिंग हो और जो बोरिंग काम करती हो तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। ऐसी कंपनी में जब तक कोई एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ नहीं आती तब तक मैक्सिमम लोग इस पर नज़र नहीं डालते हैं, जिससे इनका शेयर आपको बहुत निचले प्राइस में मिल जाता है। जैसे ही इस स्टॉक पर बाकी मार्केट प्रोफेशनल्स की नज़र पड़ती है, वैसे ही इस स्टॉक में उछाल आ जाता है, जिससे आप अपने शेयर्स को प्रॉफिट में बेच सकते हैं। नंबर 3 है इट डज समथिंग डिसएग्रीबल। कंपनी के बोरिंग नाम और बोरिंग काम के साथ यदि आपको ऐसी कंपनी मिल जाए जो कुछ ऐसा बिजनेस करती हो जिसे हर कोई पसंद नहीं करता हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऑथर कहते हैं कि जैसे सेफ्टी क्लीन नाम की कंपनी गैस स्टेशनों में जाकर उन्हें एक ऐसी मशीन देती है जो चिकने और गंदे ऑटो पार्ट्स को धोती हैं, इससे ऑटो मैकेनिकों का समय और परेशानी बच जाती है। इस सेवा के लिए गैस स्टेशन खुशी खुशी इस कंपनी की सर्विस लेते हैं। काम की वजह से मैक्सिमम लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए आप ऐसी कंपनियों को ढूंढकर वहां से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नंबर 4 है इट इज़ स्पिन ऑफ। कई बार कंपनियों का बिजनेस जब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और बड़ा हो जाता है तो कंपनियां अपने हर बिजनेस को सेपरेट कंपनी में बांट लेती हैं। इसे स्पिन ऑफ कहा जाता है। स्पिन ऑफ होने के कारण ये स्वतंत्र कंपनियां अपने बिजनेस और ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दे पाती हैं। नया मैनेजमेंट पूरी तरह फोकस्ड होकर इस बिजनेस की ग्रोथ पर ध्यान देता है। नंबर 5 है द इंस्टीट्यूशंस डोंट ओन इट एंड द एनालिस्ट डोंट फॉलो इट। ऑथर पीटर लिंच कहते हैं कि यदि आपको एक ऐसा शेयर मिल जाए जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओनरशिप ना हो या बहुत कम हो तो आपने एक विनर शेयर चुन लिया है। ऐसी अच्छी कंपनी आपको ढूंढनी है जहां अभी तक कोई एनालिस्ट नहीं गया है या फिर जाने के बाद किसी ने उस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया हो। नंबर 6 है इट इज़ अ नो ग्रोथ विद इंडस्ट्री।
बहुत से लोग ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिसमें हाई ग्रोथ हो और बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, लेकिन पीटर लिंच कहते हैं कि मुझे तो प्लास्टिक के छुरी कांटे जैसे लो ग्रोथ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना पसंद है। हर युग में हाई ग्रोथ इंडस्ट्री अलग अलग होती है। 1950 में कारपेट, 1960 में इलेक्ट्रॉनिक्स, 1980 में कंप्यूटर्स हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में आते थे। जीरो ग्रोथ वाली इंडस्ट्री में, खास करके यदि वह कोई ऐसा काम करती हो जो बोरिंग हो, तो उसमें कॉम्पिटिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इस बोरिंग इंडस्ट्री में लोग उतरना ही नहीं चाहेंगे। नंबर 7, पीपल हैव टू कीप बाइंग इट। पीटर लिंच कहते हैं कि मैं टॉयज़ बनाने वाली कंपनी की अपेक्षा मेडिसिन, सॉफ्ट ड्रिंक, रेजर ब्लेड या सिगरेट बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि मान लो कि टॉयज़ कंपनी एक वंडरफुल डॉल बनाती है जिसे हर बच्चा खरीदना चाहता है, लेकिन हर बच्चा सिर्फ एक बार ही उसे खरीदेगा। कुछ महीनों के बाद ये प्रोडक्ट शेल्फ से उतर जाएगा, क्योंकि अब बच्चों को किसी दूसरी कंपनी की बनाई हुई डॉल चाहिए। नंबर 8, इट इज़ अ यूज़र ऑफ टेक्नोलॉजी। पीटर लिंच कहते हैं कि कंप्यूटर कंपनीज आपस में प्राइस वॉर में उलझी रहती हैं, इसलिए हमें उन कंपनीज पर फोकस करना चाहिए जिसे इस प्राइस वार से बेनिफिट होता हो, जैसे ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग जैसी कंपनी जो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हो। जब कंप्यूटर सस्ते होते हैं तो ये कंपनी अपना काम ज़्यादा सस्ते में कर सकती है, जिससे इसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। नंबर 9, द इनसाइडर्स आर बायर्स। यदि किसी शेयर की सक्सेस के लिए एक बेहतर टिप होती है कि कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हों। जनरली इनसाइडर्स का अपनी कंपनी में शेयर्स को खरीदना इस बात को दर्शाता है कि भविष्य में कंपनी काफ़ी ग्रोथ करेगी। जब मैनेजमेंट के पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं तो उनकी प्रायोरिटी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देना होता है, लेकिन जब मैनेजमेंट सिर्फ सैलरी लेता हो तो उनकी प्रायोरिटी सिर्फ अपनी सैलरी बढ़वाना बन जाता है। नंबर 10, द कंपनी इज़ बाइंग बैक शेयर्स। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को बाई बैक करती है तो ये उसके इन्वेस्टर्स के लिए एक गिफ्ट की तरह होता है। जब किसी कंपनी को अपने ऊपर और अपने बिजनेस पर पूरा विश्वास होता है तो वो खुद ही उसमें इन्वेस्ट करती है। जब कंपनी शेयर्स का बाईबैक करती है तो उतनी संख्या में शेयर्स कम हो जाते हैं, जिससे आउटस्टैंडिंग शेयर्स की संख्या कम हो जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि कंपनी का EPS मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। दोस्तों, ये बात तो हो गई कि आपको कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, अब बात आती है कि आपको किन शेयरों से बचना चाहिए। इसके लिए हम चलते हैं इस वीडियो के चौथे पार्ट की ओर, जो है स्टॉक्स टू अवॉइड। दोस्तों, जितना आप इस बात पर फोकस करते हैं कि मुझे कौन सा स्टॉक्स लेना चाहिए, उतना ही फोकस इस बात पर भी होना चाहिए कि मुझे किन स्टॉक्स से दूर रहना चाहिए। यहाँ 6 पॉइंट्स ध्यान देने योग्य हैं, जिनमें सबसे पहला आता है हॉट स्टॉक्स फ्रॉम हॉट इंडस्ट्री। दोस्तों, हॉट स्टॉक्स अपनी वैल्यू के सारे पैरामीटर्स को तोड़कर बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ उम्मीद और पॉजिटिविटी के अलावा कुछ ज़्यादा दम नहीं होता है, इसलिए वे जितनी जल्दी तेज़ी से ऊपर जाते हैं उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आ जाते हैं। यदि आपने समय रहते इसे बेचा नहीं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। जैसे मोबाइल होम्स, डिजिटल वॉच और हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन एक समय में हॉट इंडस्ट्री थी, इसमें लेकर लोगों को बहुत उत्साह था, लेकिन ये जितनी तेज़ी से ऊपर गए उतनी ही तेज़ी से नीचे आ गए। जैसे एक समय फ्लॉपी डिस्क या CD प्लेयर या CD बनाने वाली कंपनियाँ हॉट स्टॉक्स में आती थी, लेकिन आज वो मार्केट से पूरी तरह बाहर हो चुकी हैं। नंबर 2, द नेक्स्ट समथिंग। जब आपको कोई ये कहे कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये कंपनी अगली रिलायंस, अगली हिंदुस्तान यूनिलीवर या अगला HDFC बैंक बन सकता है, तो आपको ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ उस कंपनी का नुकसान होगा जो अगला बनने की नकल कर रही है, बल्कि उसका भी नुकसान होगा जिसकी तुलना इससे की जा रही है। ऑथर कहते हैं कि जब लोग कहते थे कि यह कंपनी अगली IBM बन सकती है, तो इसका मतलब था कि IBM के बुरे दिन आने वाले हैं, और यही हुआ। आज मैक्सिमम कंपनीज IBM की नकल नहीं कर रही हैं, इसका अर्थ है कि IBM का बेहतर वक्त आने वाला है। नंबर 3, अवॉइड डाइवर्सिफिकेशन। शेयर बाईबैक या डिविडेंड बढ़ाने के बजाय कंपनियां डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए ऐसे बिजनेस का अधिग्रहण करती हैं जो बहुत ज़्यादा महंगा होता है और जो उनकी समझ से बहुत दूर होता है, जिससे उन्हें फ़ायदा होने की बजाय बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है। कंपनियां अपने घाटे को दूर करने के लिए फिर किसी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करती हैं, जो उन्हें एक बार फिर नुकसान की ओर धकेल देता है। ऐसी कंपनियों से आपको बचने की ज़रूरत है। नंबर 4, बीवेयर द विस्पर स्टॉक्स। बहुत से लोगों को कोई टिप के रूप में बताता है कि आप इस शेयर को खरीद लो, ये बहुत प्रॉफिट देगा, तो आपको ऐसे ही किसी की कही हुई बात पर इन्वेस्ट नहीं करना है। ये दूर के ढोल होते हैं, ऑथर इन्हें विस्पर स्टॉक्स कहते हैं। नंबर 5, बीवेयर द मिडिलमैन। आपको ऐसी कंपनी से भी बचना चाहिए जो अपना 25 से 50% सामान एक ही ग्राहक को बेचती हो,
ऐसी कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि यदि कभी सामान खरीदने वाली कंपनी का बिजनेस कम हो जाएगा तो बेचने वाली कंपनी भी बहुत ज़्यादा नुकसान में पहुंच जाएगी, क्योंकि वो मैक्सिमम अपना सामान एक ही कस्टमर को बेचती है। नंबर 6 है, बीवेयर द स्टॉक विद द एक्साइटिंग नेम। जैसे कोई बोरिंग नाम शुरुआती इन्वेस्टर्स को अपने से दूर रखता है, वैसे ही कोई एक्साइटिंग नाम इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें सेफ्टी का एक झूठा विश्वास दिलाता है। जैसे यदि किसी कंपनी के नाम में एडवांस्ड, लीडिंग, माइक्रो आदि अक्षर होते हैं तो लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं। दोस्तों अब चलते हैं इस वीडियो के पार्ट 5 की ओर। पार्ट 5, बेसिक डिसीजन बिफोर इन्वेस्टिंग। दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं कि यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक डिसीजन लेने होंगे। जैसे क्या आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, यदि हाँ तो आप उनसे क्या हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरा, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म, क्योंकि स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होता है, इसलिए जिस पैसे को आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी ज़रूरत यदि आपको आने वाले साल, एक साल, दो साल या पाँच साल बाद पड़ने वाली है तो ऐसे में आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट की गिरावट आपको बेचैन कर सकती है। यदि आपको लगता है कि बॉन्ड ज़्यादा सुरक्षित होते हैं और शेयर ज़्यादा खतरनाक होते हैं तो ऐसे में शेयर मार्केट के प्रति आपका अनिश्चय और अविश्वास आपको मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा तो आप अपने शेयर्स को घाटे में बेच देंगे। शेयर्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना। व्यक्तिगत तैयारी, नॉलेज और रिसर्च ही एक सफल और असफल निवेशक के बीच का अंतर है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टर की किस्मत बाजार या कंपनियां तय नहीं करती हैं, बल्कि खुद इन्वेस्टर अपने डिसीजन लेकर तय करता है। दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह अपनी जानकारी का प्रयोग हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कर सकते हैं और वहां से अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आपको इस बुक की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।